नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आगरा से खबर सामने आई है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, जहां पर आगरा में अब जीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यहां पर करीब 22 टीमें छापेमारी कर रही है और आगरा में छापेमारी की गई, जहां पर बड़े गुटखा कारोबारियों के अड्डों पर यह छापेमारी हुई है। गोल्ड मोहर राजश्री विमल के ठिकानों पर छापेमारी की गई और मुख्यालय के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से सामने आई है, जहां बड़े गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कई प्रतिष्ठित नाम सामने आए हैं। गोल्ड मोहर राजश्री विमल के ठिकानों पर यह बड़ी छापेमारी की गई है, जहां पर करीब मुख्यालय के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है और कई टीमें गठित कर इस वक्त की छापेमारी की जा रही है। एक साथ कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। आगरा में ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है और आपको बता दें कि आदेश के अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। आगरा में जीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर टीमें गठित कर गुटखा कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। करीब एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं साथ में कि छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, जहां करीब 22 टीमें आगरा में ये छापेमारी कर रही हैं। कई प्रतिष्ठित गुटखा कंपनियों के नाम इसमें शामिल है, जहां जीएसटी विभाग की ये छापेमारी है। बड़े गुटखा कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान है जो जारी है, जहां पर गोल्ड मोहर राजश्री और विमल के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और चाय पर चर्चा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नई पहल देखने को मिली। आपको बता दें कि किसान मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चौहान ने भाजपा किसान मोर्चा टिफिन बैठक की शुरुआत की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भाजपा की उपलब्धियों को किसानों के बीच पहुंचाना है और टिफिन बैठक के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनावों में किसान मोर्चा को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया गया। इस बैठक में किसान मोर्चा मंडल जिला और महानगर पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में भी रहते थे और संगठन का काम देशभर में करते थे, तो गुजरात में इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जाता था, जिसमें टिफिन लेकर कार्यकर्ता अपने साथ जाते हैं जिले की बैठक में। पुराने जो हमने कार्यक्रम किए हैं संगठन के, उनकी समीक्षा करना और आगामी कार्यक्रमों की योजना और रचना को तैयार करके उसका क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता करना, इस प्रकार इस बैठक का आयोजन किया जाता रहा है। तो ऐसा ध्यान में आया कि क्यों न किसान मोर्चा की देश भर में एक टिफिन बैठक हो। तो पिछले दिनों हमने ये तय किया था कि पूरे देश में आज 25 मई के दिन एक ही समय पर लगभग 12 बजे के आसपास पूरे देश में जिला बैठकें हों, जिसमें मंडल स्तर के सभी पदाधिकारी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और उनकी टीमें, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी और उसमें हमारे प्रांत के भी पदाधिकारी उसमें रहें प्रभारी के रूप में, और संगठन के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी उसमें मुख्य रूप से रहें, ऐसी एक अपेक्षा किसान मोर्चा। और इसी बीच बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से, संदिग्ध परिस्थितियों में यहां एक घर में आग लग गई है। आग लगने की वजह से गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया और आग लगने से मोहल्ले वासियों में भी हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें कि आग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और समरसेबल पंपों को चलवाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, जहां खगा कोतवाली के सतीनी मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौजूद है और आसपास के जो लोग हैं साथ मिलकर आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और साथ ही आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि समरसेबल पंपों को चलवाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो कि फतेहपुर से सामने आई है, एक नलकूप में युवक का शव बरामद हुआ है। सिर में गोली लगने से इस युवक की मौत हुई और मौके पर तमंचा और खोखा भी बरामद किया गया है। साथ ही परिजनों को सूचना मिलते ही कोहराम की स्थिति बन गई है और युवक का जो शव है वो मिलने से गांव में भी हड़कंप की स्थिति है।
बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। ये पूरा मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के रघनपुरपुर गड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स का संदिग्ध हालातों में शव मिला है और बताया जा रहा है कि जो शख्स की मौत है वो गोली लगने की वजह से हुई है। घटनास्थल पर पुलिस को एक तमंचा और खोखा भी मिला है, जिसे जांच के लिए एविडेंस के तौर पर पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। साथ ही शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। किशनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर युवक का संदिग्ध परिस्थिति में यह शव बरामद किया गया है। फतेहपुर जनपद की ओर करेंगे, जहां पर सफाई कर्मचारियों की मनमानी सामने आई है। एक बार फिर से ग्रामीणों में आक्रोश, क्योंकि ग्रामीणों में सफाई को लेकर कर्मचारियों को लेकर आक्रोश की स्थिति है। यहां पर गांव में सफाई कर्मियों की नियुक्ति होने के बाद भी सफाई नहीं हो पा रही है और सफाई कर्मी पहुंच नहीं रहे हैं। नैनीहाल को खुद सड़क पर उतरकर सफाई करनी पड़ रही है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये बच्ची है जो खुद ही सड़क किनारे से कचरा साफ कर रही है और स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कार्यालय में कर्मचारी ही नहीं पहुंच रहे हैं और नियुक्ति किए जाने के बावजूद कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से इलाके में साफ सफाई नहीं हो पा रही है। और अब करेंगे लखनऊ का, जहां पर एलजीए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध प्लांटिंग करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और आपको बता दें कि बिल्डर महेंद्र शुक्ला ग्रीन लैंड पर अवैध प्लांटिंग कर रहे थे, इस दौरान जिस पर प्रशासन ने अब बुलडोजर की कार्रवाई की और साथ ही एलजीए ने अवैध प्लांटिंग साइट पर निर्माण कार्य को सील कर दिया है। फिलहाल इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस बल और पीएससी बल के साथ साथ एलजीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मध्यांचल एमडी अनिल डींगरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आंधी तूफान से प्रभावित एरिया की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है और आंधी तूफान से निपटने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है। यहां पर बिजली संकट से निजात पाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। क्योंकि कंज्यूमर्स जो है हमारे लिए मेन है, हमारा जो मेन काम है वही है कि अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो उसको कनेक्शन दे पाए, बिल का है तो उसको प्रॉपर बिल मिल पाए, हम उसने जो है कलेक्शन जो हमारा रिवेन्यू का है जो हमारा बिल बना है उसको वो टाइमली पे कर पाए, उसमें भी उसको कोई असुविधा ना हो, चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे वो चाहे CSC से करना चाहे या हमारी जो ई सुविधा है या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब जितने भी वो पेमेंट करना चाहे हम लोग उसको सुविधाएँ उपलब्ध। और इस बीच ऑपरेशन पाताल के तहत थाना संडीला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि असला फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया और पुलिस ने जंगल में चल रही अवैध असला फैक्ट्री से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असले बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने असला बनाने के उपकरण भी बरामद किए और साथ ही पुलिस ने दो असला बनाने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को मैत तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जिसका नाम साहबुद्दीन है, जो आटा मोकर रहने वाला है। उससे पूछताछ कर उसने बताया कि जामू के जंगल से मैं तमंचा लेके आ रहा हूँ। पुलिस ने वहाँ पर जब छापा मारा तो वहाँ एक व्यक्ति रामशंकर निवासी लोहरई, वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से दो बने हुए तमंचे तथा चार अर्धनिर्मित तमंचे तथा भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस पर उचित दरों में। अगली खबर सामने आ रही है जौनपुर से, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पर असला बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और यहां पर आपको बता दें कि जौनपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध असला बनाने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई बरकरार है और असला बनाने की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जहां पर बड़ी मात्रा में अवैध असले बरामद किए गए हैं।
इस दौरान आजमगढ़ समेत कई जिलों में इसकी सप्लाई होती थी। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन पाताल के तहत ये कार्रवाई की गई है और देसी कच्चा रिवॉल्वर का यहाँ निर्माण किया जा रहा था। इस फैक्ट्री से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही 23 तमंचे और निर्माण सामग्री भी बरामद की गई। कुटरन थाना क्षेत्र में यह असला फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसके बाद अब पुलिस की तमाम कार्रवाई इस पर जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगे हाथों इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 23 तमंचे और निर्माण सामग्री भी बरामद की गई और तमंचे बनाने के उपकरण भी पुलिस ने सील कर दिए हैं। और इसके साथ साथ कुटरन थाना क्षेत्र में यह असला फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर छापेमारी की गई और इस दौरान तमाम जखीरा जो है हथियारों का बरामद किया गया। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो असला बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें 23 असले बरामद किए गए और उपकरणों को भी सील कर दिया गया और यहां से जो असले हैं भारी मात्रा में दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे और इस असला फैक्ट्री को बरामद करके हुए। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ समेत कई जिलों में इनकी सप्लाई की जा रही थी। और इस बीच विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से दायर की गई एक नई याचिका पर बुधवार को सुनवाई की गई। इस सुनवाई करते वक्त उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीनियर सिविल डिवीजन की अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख तय कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि मंगलवार को विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक नई याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने 3 बिंदुओं पर न्यायालय से मांग रखी थी, जिसमें ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, वहां पूजा का अधिकार मांगने और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक की बात कही गई थी। इस पर कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए सीनियर डिवीजन महेंद्र नाथ पांडे की अदालत में केस को ट्रांसफर कर दिया है। तारीख निश्चित थी, हमें आर्गुमेंट करनी थी तत्काल पूजा के लिए, लेकिन क्योंकि दस्ताब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में एंगेज है तो अब वो 30 तारीख को उस पर बहस होगी और हम अपनी मांग रखेंगे कि तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू करें। अभी जो केस चल रहा है दोनों केस अपने आप में अलग है, कोई सब्जेक्ट मैटर मिक्स नहीं हो रहा है, उसको कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है दोनों केसों में और हमें इंतजार करना चाहिए 30 तारीख का। 30 तारीख को ये तो सामने रूटीन वे में ट्रांसफर किया है, वो ट्रांसफर होगा। नाम बता दीजिए। मेरा सिद्दीकी। कब मंडे को? मंडे को। आज क्या बोला न्यायालय ने? क्या बोला न्यायालय? है नहीं न्यायालय, आज है नहीं, ट्रांसफर हो गई है, न्यायालय नहीं है। 30 को जो है अब इसकी सुनवाई मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही अब हो गया। ये रूटीन वे में ट्रांसफर हुआ है। कौन सी डेट लगी? कौन सी डेट लगी? मेरा 30-5 डेट लगी है। खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय की बैठक में देरी से आए अधिकारियों की क्लास लगा दी गई। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष ने डीएम को जमकर लताड़ा, साथ ही एसएसपी के भी बैठक में न होने पर नाराजगी जताई गई और कहा कि हम तो किन्नर है, हमें कौन सी घास डालेगा। तो यह सुनिए, यही लिए सारे अधिकारी को बुलाए, अब पुलिस अधीक्षक, क्योंकि सारा काम जो होता है सारा चीज आके पुलिस पे आ जाती है, पुलिस प्रणाली पे आने, इसलिए हम पुलिस की मांग पूछ रहे थे क्यों नहीं आए। तो ये कानून बन गई है, कार्ड बनेगा, गवर्नमेंट से कार्ड अप्लाई करेंगे, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा, भारत सरकार से हमारे केंद्र ने ये योजना पास की है, तो जो कार्ड उनके पास रहेंगे, जैसे अभी हम लोग को स्कीम लाने वाले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 208 करोड़ की मैंने मांग की हूँ, कभी भविष्य में 1000 करोड़ भी हो सकती है, जैसे कोई भी योजना ना आएंगे तो जो जिनके पास वो कार्ड रहेगा वही असली किन्नर। और रुकेंगे बड़ी खबर के लिए। बरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, एक कैदी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि सुसाइड दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था यह आरोपी और सजा पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के जिला जेल का यह पूरा मामला है, जहां पर दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे एक आरोपी ने खुद को जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह पूरा मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के जिला जेल का बताया जा रहा है।
और हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी पर सौतेली मां गुड़िया लोधी ने जान से मारने का गंभीर आरोप लगाया। अस्पताल में बेड पर लेटे हुए उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल लोधी के दोस्त आकाश और कुछ गुंडे उन्हें धमकाने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उनके हस्बैंड विधायक की कुर्सी पर बैठे तो मैंने मना किया तो बोले कि तुम्हें जान से मार देंगे। राहुल लखनऊ में रहता है और उसकी गैर मौजूदगी में वो गुंडे धमकाने के लिए पहुंचे और इसी के कारण उन्हें अचानक आया और उनकी हालत इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है। राहुल के दोस्त आकाश और उसके कुछ गुंडे आके घर में मुझे धमकाए, मेरे हस्बैंड के विधायक की कुर्सी पे बैठे, मैंने उन्हें मना किया तो बोले जान से मार देंगे, और मेरे ही घर के असलाहे जो हैं राइफल और रिवॉल्वर, करण नाम का जो लड़का काम करने के लिए रहता है उसने उन लोगों को दिया। राहुल की गैर मौजूदगी में, राहुल लखनऊ में रहते हैं, आए दिन हमेशा अपने गुंडों को थोड़े थोड़े दिन बाद भेज के मुझे धमकाते रहते हैं और इसकी वजह से मेरी हालत बिगड़ी। महाराजगंज में पुलिस के एक संयुक्त अभियान ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल और अन्य दवाएं भी बरामद की गई। पकड़े गए इन आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने अब सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। जनपद महाराजगंज में 3 थानों की टीम द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें साथ में वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर और सीओ साहबान का पर्यवेक्षण भी रहा लगातार, और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को तस्करी किया करते थे या आसपास के बॉर्डर के क्षेत्रों में जिसकी सप्लाई किया करते थे। ये 3 अभियुक्त हैं राजापुरी पुत्र मोहनलाल पुरी, शैलेश तिवारी और उपेंद्र सिंह, और इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स मिले हैं, जिसमें क्रैक जैक, निट्रावेट, टैबीन, फिनार्गन, डाइजेपाम और इनके इंजेक्शंस और इनके टैबलेट्स मिले हैं, और इन तीनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति पूर्व में दहेज हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में भी जेल जा चुके हैं और एक फर्जी नोट में भी जेल जा चुका है। इसमें इन तीनों के विरुद्ध कार्रवाई आज। और रुख करेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक के किनारे सरकार के द्वारा लगभग 1 एकड़ की जमीन में बायोमेडिकल वेस्टेज सर्विस प्लांट बनाने की पहल की जा रही है। यहां आपको बता दें कि अस्पतालों के कचरे को स्टोर किया जाएगा, साथ ही उसे रिसाइकल भी किया जाएगा, लेकिन यहां के ग्रामीण प्लांट बनाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर ये प्लांट यहां बन जाएगा तो आसपास की आबादी वाले गांव में कई तरह के संक्रामक बीमारियां और पर्यावरण प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच खुली बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले के AGM पंकज कुमार वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। साथ ही आपको ये बता दें कि इस दौरान ग्रामीण उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नजर नहीं आए। देखिए, AV बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर अपनी एक मेडिकल वेस्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। राजधानी गांव है, नौतनवा के पास का ये गांव है, तो इसमें एक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है इस्टेब्लिशमेंट के पहले एक बार जो आसपास की पब्लिक है उसको भी फ़ायदे नुकसान सब उसके बता दिए जाएँ और उस पर जो भी उसके सुझाव आपत्तियाँ हों वो सब ले लिया जाएँ। उसी के क्रम में आज जनसुनवाई हुई, जिसमें गाँव के लोगों ने, सब लोगों ने जो अपनी बात रखना चाह रहे थे उन सब लोगों ने प्रतिभाग किया, अपनी बात रखी है। पोल्यूशन बोर्ड ने सब बातों को नोट किया है, अब उसकी बातों का निराकरण करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई निर्णय लिया जाता है। खबर है सीतापुर से, जहां सीतापुर के तरसवा गांव में चंदन के पेड़ चोरी करने की कोशिश करने के मामले में ये खबर सामने आई है। यहां तरसवा गांव के रहने वाले रामनाथ ने बताया है कि बीते 5 मार्च को भी चंदन तस्करों ने 2 पेड़ों को काटकर चोरी कर लिया था और इसकी रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज की जा चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार की रात को करीब 1 बजे एक बार फिर से रामनाथ अपने खेत में पेड़ों की रखवाली कर रहा था, लेकिन तभी 4 चंदन तस्करों का गिरोह खेत में घुस आया। इस दौरान रामनाथ को मारने की कोशिश भी की गई और आनन-फानन में युवक ने आसपास के लोगों को बुलाया, जिसके बाद एक चोर को पकड़ लिया गया है, जबकि मौके से 3 तस्कर फरार होने में सफल हुए।
वहीं अब रुक करेंगे शाहजहांपुर का, जहां से खबर सामने आ रही है फेसबुक पर हथियारों की फोटो डालना एक युवक को महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि अवैध असला और अभद्र भाषा के साथ साथ एक फेसबुक पर फोटो वायरल की गई थी जो कि फेसबुक पर आपत्तिजनक सवाल खड़े कर रही थी, और अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज़।